गाइस, ये देखिए आ गए हैं थर्ड नंबर की कंटेस्टेंट, पूरी तैयार हो गई हैं नेल पॉलिश। सो यार अभी बैठे बैठे से ख्याल आया कि क्यों ना आज फिर कुछ चैलेंज किया जाए, तो मेरे दिमाग में आइडिया है आज नोटों के थ्रू चैलेंज करते हैं। खूब सारे नोट लाते हैं और ब्लाइंड फोल्ड करके फिर पूछते हैं कि कौन सा नोट किस नंबर का है, 100, 200, 500, 1000 जो भी होंगे उस बेस पे, और उसमें भी देखते हैं जो दो सही नोट बना बताएगा उसको कुछ आगे दिया जाएगा और जो नहीं बताएगा वो ड्रॉप करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। सो गाइज, हमारे पहले कंटेस्टेंट आके बैठे हुए हैं। इनके सामने कुछ इस तरह से मैंने कुछ कॉइन्स और कुछ नोट्स लगा के रखे हुए हैं। लेट्स सी ये कितने सही बताते हैं। उससे पहले मैं एक बार इनको बता दूं कि इनको दो क्या कहते हैं सही बताने हैं। अगर दो नोट सही बताते हैं तो फिर इनको कुछ मिलेगा। अगर हाँ, अगर दो लोग सही दो दो नोट बता देते हैं तो उस पर टाइप होगा, उस पर फिर उनको देन अगेन नोट दिया जाएगा। तो इनको दो ही बार चांस मिलेगा कि दो ही बार इनको नोट टच करना है, दो से ज़्यादा बार टच नहीं करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, उठाओ बताओ कौन सा नोट है, बस दो ही बार टच करना है, नोट या सिक्का। सिक्का कोई भी। 10। 2 रुपये। जो हमारी सेकंड नंबर की कंटेस्टेंट है वो भी तैयार हो रही हैं। सो इसके रूल ऐसे हैं कि आपको दो चांस मिलेंगे। ठीक है, कुछ नोट आपके सामने रखे हुए हैं। हाँ। आपको दो ही चांस मिलना, दो से ज़्यादा नहीं मिलना है। अगर आप दो सही बताती हैं तो अगर टाई होता है आपका किसी के साथ तो फिर उसमें आगे कुछ किया जाएगा। अगर टाई नहीं होता है, अगर आप मतलब क्या कहते हैं दोनों गलत बताती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आपके सामने नोट रखे हुए हैं, आप उसको पहचानिए कौन सा नोट कौन। हाँ, कोई बैठा लीजिए। ये तो 500 का नोट है। पता नहीं, आप बताइए। मतलब according to me। हाँ, ठीक है। I don't have any idea। एक मिनट। नहीं पर आप नोट उठा लिया, आप उसको देखिए। नहीं नहीं। हाँ। मेरा नोट कहाँ गया? ये है। This one is 500 and this one is according to me 200। ठीक है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक्स। सो गाइज, हमारे जो सेकंड नंबर की कंटेस्टेंट थी वो सेकंड नंबर पर ना आकर थर्ड नंबर पर आई हैं, क्योंकि बड़ी मेहनतों के बाद आई हैं। सो गाइज, ये देखिए आ गई थर्ड नंबर की कंटेस्टेंट, पूरी तैयार होकर आई हैं। सो गाइज, हमारे थर्ड नंबर के कंटेस्टेंट आ चुके हैं, बट लेट हैं काफ़ी, इनको सेकंड नंबर आना था। सो यार, इनको भी एक बार गेम के रूल बता देते हैं कि आपको आपके सामने कुछ नोट रखे हुए हैं, आपको दो ही चांस मिलना है। भैया एसी ऑन कर दे। ठीक है, दो ही चांस मिलना है। ये देखिए लोग, आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बिना एसी काम नहीं कर सकते। और बांधा हुआ है, इतना सफोकेशन हो रहा है और एसी भी नहीं चल रहा है। बहुत मुश्किल है ऐसे घर में। हाउ कैन आई डू माय चैलेंज? चैलेंज या कुछ भी ब्लॉक कर पाना। हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं फिर से। सो आपके सामने कुछ नोट रखे हुए हैं, वो आपको बताना है, अभी नहीं छूने हैं। वो आपको कल दो चांस मिलने हैं। अगर आप दोनों सही बताओगे तो आगे, अगर कुछ टाई होता है तो उस पर आप कंटिन्यू करोगे। अगर दोनों सही नहीं बताते हो तो फिर आउट हो जाओगे। ठीक है, कल दो ही चांस मिलने हैं दोनों, और एक ही आंसर देना है, यानी कि बार बार कभी ये कभी वो नहीं करना है। ठीक है, टाइम तो ले सकते हैं ना। हाँ, टाइम लो आप। ठीक है, जो टाइम स्टार्ट उठाओ। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है? अरे बस यही है। हाँ। कितने हैं सामने मेरे? अरे उठाओ। अरे रुक जाइए, आपको क्या है, मेरा टाइम है। अक्कड़ बक्कड़ कर रही है। हाँ ठीक है, तुम्हारा टाइम है, आज देखते हैं। ये 500 का। ठीक, और 500। हाँ अलग कर दो, बस दोनों बताने हैं क्या? दो में से एक 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 उठा लो, एक का करेक्ट बताना। ये 200 का, ये 100 का। चलो रख दो नीचे।
और उस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर किसी दो लोग के स्कोर मैच करते हैं देन हम उस उनके दोबारा मैच कराएंगे, मतलब दोबारा चैलेंज करवाएंगे। आगे देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें दो लोग विनर थे, भैया और भाभी, तो अभी उनका टाई हो गया है। सो उसके लिए अभी फिर मैं कुछ नोट चेंज करके लाया हूं। आई थिंक कुछ नोट को आप बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे। इस बार क्या, इस बार हम लोग मैं इनको तीन टाइम दूंगा, मतलब ये इनको तीन मौके दूंगा। अगर ये तीन बार सही बताते हैं तो आगे फिर जो भी ज़्यादा सही बताएगा वो विनर होगा तीन में से। भैया स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। सो गाइस ये जो कंपटीशन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा बंदे ने कौन सा नोट उठाया, क्या बोल रहा है। ये हमने नोट अलग कर दिया है जो इन्होंने रिकॉग्नाइज करा हुआ है, ये 20 का। ठीक, दिखा दो कैमरे पे। ये 500, ये 100 रुपए का। ठीक है, तो इन्होंने बताया सो इन्होंने, इनको तो तीन चांस मिले थे, इन्होंने बता दिया है। इसको इन्होंने 100 का बोला है, इसको इन्होंने 20 का बोला है, इसको इन्होंने 10 का बोला हुआ है। तो ठीक है, अभी हम इनके ब्लाइंड फोल्ड ओपन कर देते हैं और इनको जाने के लिए कहते हैं। तब तक हम दूसरे कैंडिडेट को बुलाते हैं कि वो आके रिकॉग्नाइज करें। सो गाइस हमारे फाइनल कंटेस्टेंट आ चुके हैं। सो इनको भी मैं एक बार रूल समझा देता हूँ। तो आपके हमने कुछ नोट रखे हुए हैं, उसमें से आपको तीन सही बताने हैं। अगर तीन सही बताते हैं तो देन आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अगर तीन में से एक भी गलत हुआ तो कंटिन्यू नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। आपको सिक्के क्यों नहीं दिए गए? किसी को नहीं दिए गए भैया, वो पहले राउंड में सिक्के नहीं दिए गए। मुझे तो कुछ नहीं दिया। कहाँ है नोट? हाँ हाँ, बस जॉब टच करिए, सब नोट है, आप उठाइए। ये 50 का नोट है। कोई नोट नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पेपर। ठीक, लाइए। ये 10 रुपये का नोट है। ठीक है, सो गाइज ये इन्होंने बताया, ये इन्होंने 10 रुपीज़ का नोट बताया, ये इन्होंने पार्ट ऑफ पेपर बताया, ये इन्होंने 50 रुपीज़ का नोट बताया जो हमारे सेकंड कंटेस्टेंट हैं। तो अभी फिलहाल हैं वापस घर की ओर, ये कुछ खाना ना बना लें और हम फिर उसके बाद फाइनल बताएंगे हु वॉन द मैच एंड हु लूज द मैच। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज अब बताते हैं हम आपको आज के विनर कौन है। तो पहले बताते हैं किसने कितने सही नोट बताए। सो भाई साहब को तीन चांस दिया गया था, इन्होंने तीनों नोट गलत बताए थे, और भाभी जी ने को भी तीन चांस दिया गया था, इन्होंने तीन में से एक सही बताए थे, बाकी दो गलत बताए थे। तो इस हिसाब से विनर कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जो तीन सही बताएगा वही आगे बढ़ेगा, वही विनर होगा। बट ये हो ना पाया, सो सब लूजर बने। पता था इस बार मैं 5,000 रुपये गिफ्ट करूँगा पर कोई भी जीता नहीं। सो गाइज एंड करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर। आई होप यू गॉट एंजॉयड, और देखते रहिए, और ऐसे और भी कुछ चैलेंज आएंगे दिमाग मेरे तो मैं करता रहूँगा। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।